आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी उप जिलाधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गोरखपुर के एनेक्स सभागार एवं गोरखपुर के विकास प्राधिकरण के सभागार में 4 दिन से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 62 जनपदों के SDM और रिटर्निंग ऑफिसर प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण देने वालों में भारत निर्वाचन आयोग के सलाहकार KP विल्फ्रेड और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव को सुचितापूर्वक एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने का प्रशिक्षण दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिला अधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये सर्टिफिकेट जरूरी है तो दोस्त कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सर्विस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से डिसमिस हुआ है एंड कंटेस्टिंग इलेक्शन विद इन 5 इयर्स, सिर्फ उनके लिए अगर कोई 10 जो जिस पार्टी को बहुत सारे स्टेट में है वो नेशनल पार्टी बन रहा है, जो पार्टी कुछ 1-2 दिन स्टेट में रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर स्टेट पार्टी रहेगा, उनका परफॉर्मेंस उसी स्टेट में अगर कन्फाइंड है वहाँ पर स्टेट पार्टी रहेगा, तो उनका रिजर्व सिंबल उसी स्टेट में ही होगा, बाकी स्टेट में उनका रिजर्व सिंबल नहीं स्टेट पार्टी का, नेशनल पार्टी का थ्रू द कंट्री वो रिजर्व सिंबल है और रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये 2-3 कैटेगरी है पोलिटिकल पार्टी, अगर इसमें हमने देखा कि अंडर रिकॉग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट समथिंग 10 प्रपोजल चाहिए, जो सेक्शन 33 का सबसेक्शन 4 कहता है कि नॉमिनेशन फाइल जो रिसीव करने के टाइम पर आरओ ये नॉमिनेशन में प्रपोजल वाला जो जगह है मैं आपको दिखाऊंगा नॉमिनेशन फॉर्म, वहाँ पर जो जहाँ प्रपोजल अगर 10 प्रपोजल साइन करना है तो 10 प्रपोजल अपना नाम लिखेगा साइन करेंगे एंड उसके साथ इलेक्ट्रल रोल में इनका नाम होने के लिए जो डिक्लेरेट हो गया था कि मेरा नाम इलेक्ट्रोड में सीरियल नंबर इतना पार्ट नंबर इतना इलेक्ट्रोड में, अगर इलेक्ट्रोड में अगर किसी इलेक्ट्रो को लोकेट करना है तो आपको 2 चीज़ चाहिए, पार्ट नंबर चाहिए सीरियल नंबर चाहिए, पार्ट नंबर से आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोड पार्ट में डिवाइड है, अगर कोई कहते हैं मेरा पार्ट नंबर 25 में है एंड सीरियल नंबर 210 में है मान लो कोई इलेक्ट्रोड करता है वो लिखेगी नॉमिनेशन फॉर्म में नाम के अगेंस्ट लिखेंगे पार्ट नंबर 25 सीरियल नंबर 210 एंड साइन करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोड जो प्रपोजल का जो सारे रिक्वायरमेंट वहाँ पर फुलफिल किया और 10 प्रपोजल वाला केस है तो सारे 10 के 10 एक के नीचे करके 1-2-3 अप टू 10 लोग ये सब डिटेल्स लिखेंगे, तो ये सबसेक्शन 4 कहते हैं कि नॉमिनेशन रिसीव करने के लिए और वो ये प्रपोजल का जो डिटेल्स दिया है अगर मान लो कोई लिख रहा है नाम राम नरेश ये अपना पार्ट नंबर 25 है सेल नंबर 210 है, तो इस टाइप का 10 जरूरी है जो नॉमिनेशन रिसीव करने के टाइम पर आर ओ इसको देख लेगी इनका नाम इलेक्ट्रल बोर्ड के साथ कंपेयर करेंगे आर्गुलर जो दिया है सही है, अगर इसमें ये सेक्शन ये भी कहते हैं कि आप वेरीफाई करने के टाइम पर मान लो कि राम नरेश का नाम 210 में नहीं है, अब इलेक्ट्रोड में देख रहा हूँ उसमें 210 में कोई जिला देवी का नाम है मान लो राम नरेश जी है, तो अगर वो आप कहेंगे कि ये राम नरेश इधर नहीं 210 में नहीं है या मशीला देवी है पर इनका फिर इसमें सबसेक्शन ये भी कहता है कि इसमें अगर वो कैंडिडेट सपोज का कैंडिडेट कहता है कि इनका नाम है मैं देख रहा हूँ मुझे दिखा दीजिए देन आप कैंडिडेट इलेक्ट्रोड में देखे उसमें राम नरेश को ढूंढा है इनका 210 में नहीं लेकिन 218 में है ठीक हो बाद में पहले 10 18 तो फिर राम ये कैंडिडेट कहेगा कि 18 में जिसने नहीं है, तो ये जो सबसेक्शन 4 है वो कहता है कि ऐसे जो करेक्शंस है क्लरिकल एरर जो डिस्क्रिपेंसी रॉन्ग डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा करेक्ट करवा सकते हैं करेक्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं सबसेक्शन 4 में कहा, तो सबसेक्शन 4 हमारों का एक ड्यूटी देता है कि नॉमिनेशन रिसीव करने के टाइम पर ये वेरीफाई करो एंड वेरीफाई करने के टाइम पर अगर कुछ उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रहे हैं तो फिर वो उसको करेक्शन भी करवा सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं करेक्शन के लिए, तो अगर ये करना है तो फिर रसनियाँ तो करेक्ट करवा सकते हैं, नाम में जो रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है इवन इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं या करेक्ट करवा सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप मानो सेटिस्फाइड है तो ये व्यक्ति तो सेम है तो सेम पर्सन अगर सेटिस्फाइड है तो
निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर यहाँ 62 जनपदों के उप जिलाधिकारियों की रिटर्निंग ऑफिसर्स का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है। ये 4 दिवसों का है और 2 साइट पर हो रहा है, NXC में है और GDA के सभागार में है। जो आगामी इलेक्शन है इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर्स को प्रशिक्षित कर रहा है, जिससे फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जा सके।